21वीं सदी में भी भेदभाव ऊंच नीच खत्म नहीं हुआ है। देश भले ही बदल रहा हो लेकिन सोच में बदलाव नजर नहीं आ रहा। आगरा में एक दलित के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो ये कहना को मजबूर हो गया कि क्या दलित सूट बूट नहीं पहन सकते। हम दलित हैं, ये सब दलित हैं, सब दलित। क्या दलितों को सूट बूट पहनने का हक नहीं? लगने से क्या मतलब होता है? आगरा के सिटी मजिस्ट्रेट तो शायद यही समझते हैं। जरा सुनिए साहब ने क्या कहा। आप दलित हैं, ये सब दलित हो, सब दलित। लगने से क्या मतलब होता है? लगने से क्या मतलब होता है? क्या नंगे डाले आपके सामने हम? कुछ दलित समुदाय के लोग सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने आए थे और ऑफिस के बाहर धरना देने लगे। ये बात सिटी मजिस्ट्रेट अरुण यादव को नाखवार गुजरी। फिर क्या था, उन्होंने दलितों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। दलितों की अगुवाई कर रहे सुरेश चंद्र सोनी से कहा सुनी हो गई। इस दौरान वो अपनी मर्यादा सी लांघ गए। जब कहा सुनी ज्यादा पड़ गई तो हंगामा शुरू हो गया और सुरेश चंद्र सोनी ने हरिजन एक्ट के तहत केस करने की धमकी दे डाली। मैं आपके खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा कर दूंगा। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब के तेवर धीरे पड़ गए और वो कहने लगे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपके खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा कर दूंगा और मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। मैं सम्मान करता हूं उसी का। ये हरिजन एक्ट में आता है? नहीं नहीं, जब इस बारे में सुरेश चंद से पूछा गया तो उनका क्या कहना था वो भी आप सुनिए। तो वो मुझसे बोले कि दलित ऐसे होते हैं। कहने का क्या मतलब था उनका? उनका मतलब ये था कि दलित नंगे होते हैं, उनके कपड़े फटे होने चाहिए, दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए और लाट टपकनी चाहिए उनकी, और दूर से काले से हों, मूछें बनी टेढ़ी हों उनकी। उस टाइप के दलित वो समझते हैं कि दलित है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि दलित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत पढ़ लिख करके आज इस मुकाम पर है कि आपसे बात कर सकता है। ना ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये चीज़ उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनसे भी बात हो गई। ना ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये चीज़ उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनसे भी बात हो गई। अगर मैजिस्ट्रेट साहब की सोच को समझने की कोशिश करें तो उनकी नजर में दलितों की पहचान उनके कपड़ों से होती है। कहने को तो देश बदल रहा है लेकिन सोच यकीनन नहीं बदल रही। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।